जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड को लेकर के। देखिए, UIDAI के द्वारा सभी आधार कार्ड होल्डर से उनका एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट सेम उसी प्रकार से होगा जैसे कि पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने का प्रोसेस था। अभी आप ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप लास्ट डेट से पहले अपने आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट अटैचमेंट नहीं करते हो तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपका आधार कार्ड भविष्य में काम ना करे। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है UIDAI। तो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI, इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे, जैसे मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इस एड को यहाँ पे आपको कट कर देना है। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है डाउनलोड आधार, पहले इस पे क्लिक करना है। ध्यान से समझिए, या नेटवर्क इश्यू चल रहा है तो फिर से हम इसे रिलोड करेंगे। तो अब हमारे सामने हमारी जो साइट है वो कुछ इस प्रकार से लोडिंग ले रही है और अभी ओपन हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जस्ट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर के साथ इस वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। तो अब हमारे सामने लॉगिन पेज आ जाएगा, इसमें आपको अपना आधार नंबर डालना है। नीचे एंटर अबाउट कैप्चा में आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा शो नहीं होता है टेक्निकल एरर के कारण, तो यहाँ पे आपको फिर से इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो कैप्चा है वो कुछ समय में आ जाएगा। फाइट अत्यधिक बिजी चलने के कारण हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको आधार नंबर और ये दिया हुआ कैप्चा यहाँ डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब हमारे आधार रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगा। इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना काफी ज्यादा मैंडेटरी है। आपको एंटर ओटीपी में ओटीपी को सबमिट करके और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों, आप कुछ इस प्रकार से आधार कार्ड पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। साइट पे आपको यहाँ पे आपका फोटो देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट अपडेट का एक ऑप्शन है, और आप देख सकते हो दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/6/2023, यानी कि 14 जून 2023 इसकी लास्ट डेट है। अगर आप 14 जून 2023 तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करते हो तो यहाँ पे क्लियर है कि आप पे कुछ ना कुछ पेनल्टी यहाँ पे लगाया जाएगा। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपडेट इस पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। इसके लिए हम आपको इसे हिंदी में कन्वर्ट करके और दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपको सलाह दी जाती है कि पहचान का नमीनी प्रमाण और पते का प्रमाण दस्तावेज जमा करके अपने आधार डेटाबेस में दस्तावेजों को अपडेट करके अपने आधार को मजबूत करें। देखिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है POI का मतलब, और प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है POA का मतलब। तो यहाँ पे स्पष्ट ये है कि UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा यहाँ पे मांगा जा रहा है कि आपके जो आधार कार्ड में जो आपका नाम पता जो कुछ भी डेट ऑफ बर्थ है, ये आपकी क्लियर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है इसे वेरीफाई किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना यानी कि अपडेट करना काफी ज्यादा मैंडेटरी है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इससे कोई समस्या आने वाली नहीं है। यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है वो 100% यानी कि ट्रस्टेड हो जाएगा कि एकदम सत्य है, ये वेबसाइट का कहना है। तो चलिए, हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए, आपकी जो प्लीज वेरीफाई और डेमोग्राफिक डिटेल्स, इसमें आपको आपकी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हो कि आपकी डिटेल्स यहाँ पे सही है या फिर नहीं है। अगर आपकी डिटेल सही है तो यहाँ पे टिक करेंगे, आई वेरीफाई डेट द अबव डिटेल आर करेक्ट, पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें गाइडलाइंस को समझ लीजिए। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए, और इसका जो सपोर्टिंग फाइल फॉर्मेट है वो आप JPEG, PNG एंड PDF में अपलोड कर सकते हो। कोई भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे JPG में अपलोड करिए, चाहे PNG में, चाहे PDF में। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपना कुछ भी प्रूफ के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, किसान फोटोग्राफ, आपको कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना होगा,
यहाँ पे हमें व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें अपना जो वोटर आईडी का जो हमने पीडीएफ बनाया था उसे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा 100% अभी वो अपलोड हो गया है। अब देखिए सेकंड आता है, प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो इसमें भी हम अपना वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आप भी यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि दोनों में हमें एक ही डॉक्यूमेंट अपना देना है। तो देखिए हमने फिर से यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड को अपलोड कर दिया है। अब आपको यहाँ पे कंफर्म टिक को टिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इससे पहले समझ लीजिए कि ऊपर जो हमने दिया था ये हमने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए दिया था, और नीचे हमने दिया था ये प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। हमने दोनों जगह अपना वोटर कार्ड को ही दिया है। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। प्लीज कंफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन द डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली मैच विद योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है अगर आपका डिटेल्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है तो। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे हमें 90 डेज का टाइम दिया जाता है, यानी कि 90 दिन का समय होता है। आपकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई हो जाएगी। अगर आपके द्वारा दिया गया डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से मैच कर जाता है तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।